टाइम में किराक की तकलीफ कर रही थी, और ये तकलीफ आज या सन 80 हिजरी की बात नहीं है, तकलीफ तो सहाबे किराम भी करते थे और सहाबे किराम के बाद दूसरे सहाबे किराम भी करते थे। ऐसी बात नहीं, हम और आप सभी जानते हैं कुछ सहाबे किराम वो थे जो आलिम थे, फकीर थे, मसाइले शरिया को जानते थे, और कुछ सहाबे किराम वो थे जो गांव में रहा करते थे, जो और तजारत क्या करते थे, वो तो शरी मसला नहीं जानते थे, वो क्या करते थे, वो उन्हीं सहाबे किराम के पास जाते थे जो सहाबे किराम फकीर होते, मसाइले शरिया को हदीस और कुरान से निकालते, उन सहाबे किराम के पास जाते और वो सहाबे किराम जो बताते उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते। तो ये तकलीफ सन 80 में शुरू नहीं होती है, बल्कि खुद सहाबे किराम के जमाने से, कि खुद वो सहाबे किराम जो फकीह नहीं थे या आलिम नहीं थे, तो वो खुद उन सहाबे किराम के पास जाकर पूछते, मसला पूछते, मालूम करते जो सहाबे किराम फकीह थे या शरीयत अहदीस से उन्हें वाकिफ थे। तो आज दुनिया के बेशुमार तमाम मुल्कों में इमाम आज़म की तकलीफ करने वाले मुकल्लिदीन पाए जाते हैं। तो आप बड़े खुश नसीब हैं कि उस इमाम की तकलीफ करते हैं कि चंद जितनी भी अहम किराम हैं उन इमाम में और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बास अहदीस में सिर्फ एक वास्ता है, यानी नबी कौनैन और इमाम आज़म के दरमियान कुछ हदीस ऐसी है जो हजरत अनस बिन मालिक से इमाम आज़म ने रवायत की और हजरत अनस बिन मालिक ने रसूल कायनात से, ये शर्त और ये फख्र सिर्फ इमाम आज़म को हासिल, बाकी जितने भी अहमे किराम हैं सब तमाम अहमे किराम नबी कौनैन से अगर हदीसे रवायत की है तो उसमें या तो दो रावी है या तीन रावी है या चार रावी है, सिर्फ बीच में एक रावी वाले मुहद्दिस और इमाम अगर है तो वो इमाम आज़म और आप बड़े खुशनसीब हैं। आज इस आस्थाने में हम उनकी बारगाह में खराज हिजर पेश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों के सदके में, खास तौर से सैयद सोफी सैयद शाह अब्दाल के सदके में आज हमारे इस हाजिरी को कबूल फरमाए और दुनिया व आखिरत के लिए इसे सही निजात दिलाए।